सच तो यह है कि पीहू हमारी है, करण और प्रीता की बेटी, और तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ। मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मेरा सपना, यहाँ तक कि मेरी पूरी की पूरी हकीकत, मेरी बच्ची है पीहू। इसे मेरे डैड के झूठ ने मार दिया था, और मैं भी एक बुरा सपना समझकर भूल गई थी उस चीज को। फिर मेरे डैड ने मेरी शादी फिक्स कर दी और मैं भी मूव ऑन हो गई। लेकिन फिर मेरी शादी टूट गई और मैं भी टूट गई थी। लेकिन फिर मेरी लाइफ में मेरी बच्ची आई पीहू, और अब मेरे जीने की वजह मेरी बच्ची ही है। प्लीज, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। प्लीज, प्लीज। मैं भी मर जाऊंगी पीहू के बिना। पीहू में मेरी जान बसती है। नहीं प्रीता, प्लीज प्रीता, तुम्हारे पास पूरा तुम्हारा परिवार है, करण है। प्रीता, मैं तुम्हें दुआएं देती हूँ, तुम दोनों को बहुत जल्दी एक बहुत प्यारा सा बच्चा होगा। मैं वैसे भी कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी और ना ही कभी आऊंगी। प्लीज, मुझे मेरी बच्ची दे दो प्रीता, प्लीज। तुम्हारी दुआओं के लिए मैं अपनी बच्ची तुम्हें दे दूं? पीहू मेरी बेटी है, हम सबकी जान है पीहू। एक मिनट के लिए आंखों से इधर उधर हो जाती है तो सांस नहीं आती है। नहीं रह सकती मैं पीहू के बिना, कोई भी नहीं रह सकता यहाँ पीहू के बिना। प्रीता, मैंने उसे जन्म दिया है, प्लीज। पीहू ने मुझे जन्म दिया है, एक माँ को जन्म दिया है। पीहू मेरी बेटी है और मैं नहीं दे सकती तुम्हें पीहू। नहीं, मेरी बच्ची दे दो प्लीज प्रीता, प्लीज। क्या हो गया सोनाक्षी, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हारा तो टोन ही चेंज हो गया। अब थोड़ी देर पहले हमें धमकियां दे रही थी ना, क्या कह रही थी, कानून, डीएनए, हाँ अब क्या हुआ? मुझे नहीं पता मैं गलत बोल रही थी या सही बोल रही थी, जो भी एक माँ को करना चाहिए वही कर रही थी मैं, प्लीज। और एक माँ का दर्द प्रीता से बेहतर और कौन समझ सकता है। तुम्हें जब बेबी होने वाला था तो तुम कितनी खुश हो गई होगी ना, फिर जब तुम्हें पता चला कि बेबी नहीं होने वाला है तो तुम टूट गई होगी ना। मैं भी वैसी ही टूटी हुई हूँ, शायद उससे भी ज्यादा टूट चुकी हूँ। प्रीता, तुम्हारे पास पूरी फैमिली है, कितने लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, मैं अकेली हूँ, I'm all alone, मेरे पास और कोई नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी बच्ची चाहिए। तुम्हारे पास अभी उम्मीद है, तुम दोनों को बहुत जल्दी एक बच्चा हो सकता है, लेकिन मेरे पास तो कोई उम्मीद नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरी बच्ची है। मुझे हगी चाहिए थी। शायद मैं ही गलत थी, जिससे प्यार वही माँ। पीहू प्रीता से बहुत प्यार करती है, मैं किसी का प्यार या किसी की ममता छीनना नहीं चाहती हूँ। बस एक बार मैं अपनी पीहू को हक कर सकती हूँ क्या? नहीं प्रीता, एक बार मैं पीहू को हक कर सकती हूँ क्या? I said no. प्लीज प्रीता, एक बार मुझे। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब निकलो यहाँ से। नहीं नहीं प्लीज, एक बार मुझे हक करना है बस इसको, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं प्लीज, मुझे एक बार बस अपनी बच्ची को हक करना है, प्लीज पियो, प्लीज एक बार, प्लीज प्लीज एक बार मुझे उसको हक करने, प्लीज प्लीज। मेरी बात सुनिए ना, एक बार बस मुझे उसे हक करना है। मैं आपका पर्स और फोन।
सुना जीता दिमाग खराब हो गया तुम्हारा हाँ क्यों रोक रही है उसको करण उसने सिर्फ यही कहा ना कि वो पीहू को हक देना चाहती है लेकिन हमने नहीं करने देना सिर्फ इतना ही चाहती है तो करने देते हैं क्रेजी आखिर वो पीहू की कोई बात नहीं होती तुम लोग को सोनाक्षी सुनो तुम भी सरला जी आप एक बार प्रीता से बात कीजिए ना प्रीता आपकी बेटी है आपकी बात समझेगी सुनेगी और मानेगी भी अगर मैं कुछ कहूंगी तो शायद उसे गलत समझे या फिर ये सोचे कि मैं उसे जज कर रही हूँ सरला जी प्रीता से कहिए कि पीहू उसी की बेटी है और उसे सोना के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर सोना को अपनी बेटी की इतनी ही चिंता थी तो सही वक्त पे अपनी बेटी के बारे में जाके इंक्वायरी कर लेती ना अभी अचानक से हमारे घर चली आई बोलने लगी ये मेरी बेटी है ऐसे थोड़ी ना होता है हमने पीहू अडॉप्ट करी है पीहू हमारे घर की बेटी है प्रीता की बेटी अब एक सोना के बोलने पे थोड़ी ना हम पीहू उसे दे देंगे नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है पीहू प्रीता की बेटी है वैसे भी सोना का कोई हक नहीं है पीहू पे पीहू प्रीता की है पर अगर ये बातें पीहू को पता चलेगी तो उस बच्ची पे कितना गलत असर होगा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरला जी वो छोटी सी बच्ची है अभी 3 दिन पहले तक उसके पास कोई परिवार नहीं था लेकिन आज उसके पास पूरा परिवार है सोचिए ना उस बच्ची की मानसिक स्थिति कैसी होगी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महेश जी मैं इस बार किसी के बारे में नहीं सोच रही सिर्फ पीहू के बारे में सोच रही कितनी छोटी सी बच्ची है और अकेली रहती थी वहां अनाथ आश्रम में कोई भी रिश्ता नहीं था उसके साथ इस घर ने उसे प्यार दिया रिश्ते दिए पापा मम्मा दादा दादी परदादी नानी मासी बुआ सब रिश्ते मिल गए उसे और सोना अगर कह रही है कि वो उसी की बेटी है और अगर वो उसे भगवान ना करे ले भी जाएगी तो कौन से रिश्ते दे पाएगी एक माँ का और एक ऐसे नाना जो चाहते ही नहीं थे कि उनकी बेटी की बेटी यानी उनकी नातिन उनके साथ रहे इसीलिए उन्होंने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया कुछ भी नहीं दे पाएगी तो फिर क्यों यहाँ आ गई है प्लीज सरला यही बात तुम्हें प्रीता को समझानी है आप लोग अपने फोन क्यों नहीं उठा रहे क्या बात हो गई करण भाई का फोन आया था सोना का एक्सीडेंट हो गया क्या सोनाक्षी तो अभी अभी घर से गई है आई नो उसका एक्सीडेंट भी अभी हुआ है भाई भाभी मामा और सृष्टि के सामने हुआ है वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए हैं वो लोग कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों का हम लोग फोन नहीं उठा रहे हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए अरे महेश पहले पता तो कर कौन सा हॉस्पिटल अरे मां रास्ते में कॉल कर लेंगे ना कृतिका तू पीहू का ध्यान रखना टेंशन मत लीजिए मैं उसका ध्यान रखूंगी आप प्लीज जाइए ठीक है ना वो उनका बहुत खून बह चुका है वैसे अभी कुछ कह नहीं सकते सीमा तुम यहाँ क्या कर रही हो सॉरी सर मैं वो अभी लेकर आई प्लीज जल्दी आके लेके आओ डॉक्टर यस वो सोनाक्षी कैसी है खून ज्यादा बहने से काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं और मुझे एक बात का डर है आई जस्ट होप कि वो ना हो डॉक्टर क्या बात
फर्स्ट लेट मी डू माई बेस्ट. हो सकता है कि मेरा डर सिर्फ वो डर हो, पर वैसा कुछ भी ना हो जैसा कि मुझे लग रहा हो. सृष्टि क्या कह रहे डॉक्टर? माँ वो कह रहे हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस है. वो ठीक नहीं है. आई जस्ट होप वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम सब अपने घर जाएं. के बुआ मेरा नाम तो कृतिका है ना. के बुआ क्यों? आपका नाम बहुत हार्ड है. मेरा नाम बहुत हार्ड है. ओ तो एक काम करते हैं, आप मुझे ना के बुआ ही बुलाओ, ठीक है? सब बेटा सब बाहर गए हैं. बाहर कहाँ? स्कूल 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 गए. सब टीचर है क्या? बुआ आपने बहुत सुनी तो अपनी फ्रेंड बनूंगी. पर मैं तो आपकी बुआ हूँ ना. पर मेरे पास तो कोई फ्रेंड नहीं है. पर मुझे फ्रेंड भी चाहिए. आपको फ्रेंड भी चाहिए? पता है मुझे भी फ्रेंड चाहिए. तो आज से आप बेस्ट फ्रेंड्स. फ्रेंड्स किससे? फ्रेंड की बुआ मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? सीक्रेट? हमारा पहला सीक्रेट? बताओ. मुझे ना पहले ही पता था मुझे मम्मी मिलेगी और यहाँ पे आके मुझे सीधा मम्मी मिल गई. आयश सोनाक्षी के पापा को फोन करके बता दे कि उसका एक्सीडेंट हुआ है. हाँ महेश अंकल, पानी दादी ने बिल्कुल सही कहा. उनकी बेटी है, उनको पता होना चाहिए ना कि उसके साथ क्या हुआ है. और वैसे भी अगर हम उनको फोन करके बता देंगे तो हमारी जिम्मेदारी कम हो जाएगी. सही बात है, हम जितना कर सकते थे हमने किया. उसका एक्सीडेंट होते हुए देखा तो उसे हॉस्पिटल ले आए. अब और क्या करें, उसकी फैमिली जाने. यहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज भी कर, अब और क्या करें. प्रीता उधर मैंने तो सोचा तुम लोगों ने उसके डैड को इन्फॉर्म कर लिया होगा अब तक. जी राखी माँ, सोचा तो था लेकिन फिर ये सब केओस में दिमाग से बात उतर गई. कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ उनको फोन. मेरे पास नंबर है उनका. फोन उठा नहीं रहे वो. करण मैं तुम्हें उनका नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तुम भी ट्राई करते रहना. सिस्टर अब सोनाक्षी कैसी है? एक्चुअली उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका है लेकिन उनका ब्लड ग्रुप अभी हमारे ब्लड बैंक में है नहीं. क्या यार ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ब्लड ही नहीं रहता है? सृष्टि हॉस्पिटल है, जरा तेरे बात कर. हाँ तेरे ही बात कर रही. मैम एक्चुअली आज बस के दो एक्सीडेंट्स हुए तो हमारे यहाँ एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज्यादा आए हैं और सबको ब्लड की जरूरत है, इसीलिए हमारे यहाँ थोड़ी सी क्राइसिस चल रही है. ओह आई एम सो सॉरी. नो वरी सर. क्या ब्लड ग्रुप है उसका? ए बी नेगेटिव. मैं अरेंज करता हूँ. हाँ बोलो बेबी. कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ, वॉशरूम में था जब तुमने कॉल किया. दो तीन मिस कॉल हो गए. बोलो क्या हुआ? उतरा उसके वॉशरूम में. मैं जब तुम्हें कॉल कर रहा तुम तो ऑफिस में थे. क्या आप? बेबी तुमने खुद मुझसे कहा था कि जल्दी से लूथरा हाउस आ जाओ. अगर लूथरा की भरवानी की पिक्चर देखनी है तो जल्दी आ जाओ. तो आ गया मैं. मैंने तुमसे कंफर्म भी किया था कि हाँ मुझे लूथरा की भरवानी की ब्लॉकबस्टर पिक्चर देखनी है. मैं आ रहा हूँ. तो आ गया. और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि कोई है ही नहीं यहाँ पर. तुम लोग हॉस्पिटल चले गए. तुम्हें किसने बताया? किसने बताया मतलब क्या? यहाँ पे है ही कौन? कृतिका ने.
कृतिका यहीं पर है, दूसरा हूँ। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। बेबी गलती से उसका नाम निकल गया। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ही तो हूँ यहाँ पर, मेरे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पर। मुझे ना पागल बनाने की कोशिश मत करो, समझे तुम? तो क्या बनाऊँ, मुर्गा मुर्गी लोमड़ी बिल्ली? अच्छा स्टॉप इट। कम ऑन यार, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? तुम तो महारानी हो, सियानों की महारानी है ना। एनीवेज हम मुद्दे की बात करते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि सोनाक्षी की तबीयत कैसी है? इमरजेंसी रूम में। आई जस्ट विश एंड प्रे कि सोनाक्षी को कुछ ना हो। व्हाट डू यू मीन बाय से कुछ ना हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेबी कॉमन सेंस, अगर सोनाक्षी को कुछ नहीं हुआ ना, तो ही तो करण और पिताजी की जिंदगी में बहुत कुछ होगा। तुम देखना, अगर सोनाक्षी को कुछ नहीं हुआ ना, तो ये लड़की करण और पिताजी की लव स्टोरी पर ब्रेक लगा देगी, उन दोनों की शांति भंग कर देगी। बट यू नो व्हाट बेबी, कभी कभी ना मेरी समझ में नहीं आता कि लड़की चीज क्या है। कभी कभी लगता है कि बहुत सीधी सादी बेचारी टाइप की है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि तूफान है। आई जस्ट विश यार कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। मेरा संपत्ति का नाटक करना बंद करो। मुझे ये बताओ कि उसकी किस्मत क्यों खराब है। बेबी उसकी किस्मत इसीलिए खराब है कि वो जिस लड़के से प्यार करती है उस लड़के को पता ही नहीं है कि लड़की उसे प्यार करती है। मतलब ये जिसकी लैला है, इस लैला का मजनू और कोई नहीं बल्कि वो गिल्ली डंडा प्लेयर है। क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम नहीं समझोगी ना, क्योंकि तुम लड़का तो हो नहीं, तुम लड़की हो, इसलिए तुम नहीं समझोगी। जस्ट शट अप, मैं लड़की हूँ इसीलिए ये बात मुझे समझ में आनी चाहिए। बेबी मैंने तुमसे क्या कहा कि तुम एक लड़की हो, पर तुम नॉर्मल लड़की थोड़ी हो। तुम एक अबनॉर्मल लड़की हो, मेरा मतलब है कि तुम सीधी साधी थोड़ी हो, तुम तो शैतान लड़की हो। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? हाँ तो तुम्हारे अंदर इतने सारे गुण है तो ज्यादा तो बोलूंगा ना। देखो बेबी एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में प्यार परिवार सुख शांति ये सब है क्या? कूट कूट के भरा हुआ है? नहीं ना, तुम शैतान लड़की हो, शैतान। और इसी वजह से कभी कभी मैं खुद तुम्हें नहीं समझ पाता, पर जो सीधी सादी लड़कियां होती है ना, नॉर्मल लड़कियां, उन्हें मैं एक झलक में पहचान लेता हूँ और समझ लेता हूँ। तो ये जो सोनाक्षी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसके लिए डंडा प्लेयर से प्यार करती है। इस टाइप की लड़कियां ना बड़ी इमोशनल होती है। देखो कॉलेज में वो दोनों दोस्त थे, दोनों ने ड्रिंक किया, रात गुजारी, बच्चा हो गया। जो सीधी सादी लड़की होती है ना, इमोशनल फूल्स होती है। सो आई एम डैम श्योर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस लैला का मजनू वो गिल्ली डंडा प्लेयर है, और उस गिल्ली डंडा प्लेयर को पता ही नहीं कि ये उससे प्यार करती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? मैं यही सोच रही हूँ कि अगर सोनाक्षी मर गई तो व्हाट? आई मीन इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, खून बह गया उसका। ये लूथरा फैमिली सोनाक्षी से नफरत करती है, लेकिन पीहू की वजह से यहाँ पर खड़ी। लेकिन अगर सोनाक्षी मर गई तो क्या होगा? अरे पूरा लूथरा परिवार ना इस वक्त डरा हुआ है, इसीलिए वहां पे हाजिरी लगा रहा है। सबको डर है कि अगर सोनाक्षी को कुछ हो गया ना, तो लूथरा परिवार से कोई नहीं बचेगा। अगर गलती से सोनाक्षी मर गई ना, तो उसका बाप यानी कि मिस्टर रायचंद लूथरा में से किसी को नहीं छोड़ेगा, पूरा परिवार बर्बाद कर देगा वो। खास करके वो गिल्ली डंडा प्लेयर, उसका करियर, उसका फ्यूचर, उसको रोड पे ले आएगा, उसको बर्बाद कर देगा। और वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा, इस गिल्ली डंडा प्लेयर का बड़ा भाई जो लंदन में बैठा हुआ है ना, उसको भी वहां से लाके यहाँ पटकेगा और बहुत पिटाई करेगा उसकी। वो पंचायती बिजनेसमैन हमेशा अपने छोटे भाई को प्रॉब्लम से बाहर निकालता है ना, तुम देखना। अगर ऐसा कुछ भी हो गया ना, तो मिस्टर रायचंद उसको छोड़ेगा नहीं। अच्छा सुनो, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। अगर गलती से किसी ने तुम्हारी मेरी कॉन्वर्सेशन सुन ली ना, तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। बाय बाय। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इस घर में इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे, पर इस घर के बड़े बेटे यानी पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को कोई कुछ पता ही नहीं रहा, उसे कुछ पता ही नहीं। क्यों? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है, कोई नहीं बता रहा है, तो मैं बता देता हूं, मैं उसे पता करवा देता हूं, मैं द मास्टरमाइंड पृथ्वी मल्होत्रा। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, मुझे ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए। आई नो इट्स रेयर, लेकिन मुझे चाहिए, द पेशेंट नीड्स इट। या कम ऑन, है ना? वार्ड बॉय के लिए जूते बहुत अच्छे पहने भाई। ठीक है, give you half an hour, call me back. Major, ये देखना वो करण लुथरिया क्रिकेटर, ये यहाँ कैसे?
कुछ तो होगा, चलो उससे प्रॉब्लम क्या है। अच्छा बाय। अबे रुद्रिया राजा मेरी जान। गुड मेरी जान। गुड 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 करण कैसा है? चल मैं सब ठीक। काई को ऐसा फोपड़ा लटका के काई को क्या हुआ? दोस्त मेरी यार क्रिटिकल है, उसे एबी नेगेटिव ब्लड चाहिए। बस क्या मेरा खून लेना मेरी जान, मैं देता ना तेरे को, मैं फैन है तेरा। मैंने बोला ना एबी नेगेटिव ब्लड ड्रॉप। एबी मेबी नेगेटिव बहुत रेयर है, मुश्किल है, पर मैं ट्राई करता हूं। फिकर मत कर, रही है अपना मेजर है ये, गारंटी वारंटी फेंकता तो काम पूरा करके देता अपना भाई। तू कैसा? मैं ठीक है, मैं तेरा फैन रे। तू तो ऐसा क्रिकेट खेलता, तेरे बाल कैसे खड़े रहते, क्या करता तू? वो सब छोड़, धंधा कैसा चला? वो तो रावस। चलो इंतजाम हो गया, एक ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव। थैंक यू मेजर यार, थैंक यू सो मच यार, इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो मैं ख्याल रख, तेरी दोस्त ठीक हो जाएगी, मेजर की गारंटी। थैंक यू सो मच यार। फिकर मत करे, तेरे को कुछ भी रहता तो हम लोग को फोन कर, अपन आए तेरे लिए। पक्का? मैं पूछने भूल गया, रानी माई कैसी? क्या हुआ? अरे अपनी आई बहुत कड़क है यार, ठीक हो जाएगी, अभी एकदम रावस हो जाएगी। तू आना घर, आ कभी, तेरे को मिलाते रानी माई से। जी पक्का हूँ, है ना? मैं बताना भूल गया यार, मैंने कार्टल देखा ऑड बालाजी पर। तुम दोनों यार छा गए। क्या बोलता, लगा ना तेरे को रावस की नहीं? तेरे बाकी भाई लोग को भी बोल, अपने सारे फैंस को बोलूंगा, सब देखेंगे, जितने भी छपरी लोग सब लोग को देखना, मजा आएगा। पक्का चल मेरी जान जाते, बहुत बढ़िया है। थैंक यू।